भी यमी यमी बुगे बन रहे हैं कि हम भी खाएंगे। नहीं बेटे, आप तो अभी नहीं खा सकते, आप अभी श्रीलैक बेबी हो, श्रीलैक खाया करो बस। नो नो। तो उसके बाद हम स्ट्रेनर में जो है वो नूडल्स को अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे, और ऊपर से मिर्च है और नमक लिया है ज़रा सा, रेड मिर्च। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सबीना किरण व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो मिकाइल साहब और अरीना मैडम भी आपको हेलो कह रहे हैं। हेलो। तो जी, आज का व्लॉग है हमारा बहुत ही स्पेशल। हम बहुत यमी नूडल्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। वेरी इजी एंड यमी नूडल्स जो हैं ये 10 मिनट्स में बन जाते हैं, और ये नूडल्स बना के आप लोग बच्चों के लंच में भी जो है वो दे सकते हैं, और बहुत ही यमी बनते हैं ये। तो आज का संडे हम मनाएंगे जी आप लोगों के साथ नूडल्स की रेसिपी शेयर करके। तो मैं बच्चों के लिए कोरियन स्टाइल जो चॉपस्टिक्स होती हैं जी, जैपनीज़, कोरियन, चाइनीज़ बहुत यूज़ करते हैं जी नूडल्स खाने के लिए, चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं वो लोग। तो आज मैं बच्चों के लिए चैलेंज लेके आई हूँ। तो जी हम इन तीनों के साथ चैलेंज करेंगे, अभिमाइल, अलीना एंड अरीना। मिकू साहब तो अभी छोटे हैं ना जी, हम तो नहीं नूडल्स खा सकते। तो जी मिकाइल साहब ने बड़ा शोर मचाया हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि मम्मा हम भी नूडल खाएंगे, मैं भी नूडल्स खाऊंगा, यमी यमी। ये देखें जी, यमी यमी बुगे बन रहे हैं कि हम भी खाएंगे। नहीं बेटे, आप तो अभी नहीं खा सकते, आप अभी श्रीलैक बेबी हो, श्रीलैक खाया करो बस। नो नो। तो जी मिकाइल साहब जो है वो भी गुस्सा कर रहे हैं कि मम्मा आप हमें नूडल्स क्यों नहीं देंगी। नहीं भई, आप तो अभी श्रीलैक बेबी हो, श्रीलैक खाने वाला बच्चा है मेरा, ये छोटा सा बच्चा, फौरा सा बच्चा। जी मिकाइल साहब को देखें कि चीचियाँ ले रहे हैं जी, हम बहुत खुश हो रहे हैं जी कि हम अपनी YouTube फैमिली के साथ गपशप लगा रहे हैं। ये देखें जी मिकाइल साहब अब पूरा पूरा रिस्पॉन्स देते हैं हर तरफ। तो अभिमाइल, अलीना एंड अरीना के साथ जी चॉपस्टिक चैलेंज होगा। तो नूडल्स रेसिपी पहले शेयर करेंगे आपके साथ, चलते हैं किचन की जानेब। तो जी ये बाज़ार में न्यू क्नॉर के ब्लाजिन नूडल्स आए हुए हैं, ये इंस्टेंट जो हैं वो फ्लेवर्ड नूडल्स हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ब्लाजिन के नूडल्स यूज़ किए हैं, आप जो भी लेना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो जी सबसे पहले हमने प्याज लिया है, इसको बारीक चॉप कर लिया है, और यहाँ पे एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज ले लिया था। ये टमाटर को, दो टमाटर जो हैं उनको स्लाइस कर लिया है मैंने, और ये तीन अदद ग्रीन चिलीज थी उनको इस तरह से कट कर लें आप, और ये लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिया है जी। लहसुन आप ले लें 5 से 6 जवे उनका जो है वो आप इस तरह से पेस्ट बना लें जी। सबसे पहले अब हम चूल्हे को ऑन कर लेंगे, हमने पैन ऊपर रख लिया है। ये 2 कप जो है वो मैं पानी ऐड कर रही हूँ जी। ये देखें आपके पानी में जैसे ये बबल्स बन गए हैं, पानी बॉयल हो रहा है, तो इस टाइम पर आप जो है वो नूडल्स ऐड कर दें इसमें। तो उसके बाद हम स्ट्रेनर में जो है वो नूडल्स को अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे, और ऊपर से जो है वो आप ठंडा पानी डाल दें ताकि ये चिपके ना और नूडल्स अपनी शेप में रह सकें और ओवर बॉयल ना हो जाए, यानी कि गर्म पानी या हीट की वजह से जो है ना वो ये फिर बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, तो वो नहीं हमें चाहिए। तो ठंडा पानी गुजार लेना है इनके ऊपर से, एक दफ़ा सब के ऊपर। अब आप एक पैन में सबसे पहले जो है वो जी मैं यूज़ कर रही हूँ असली देसी घी ऑल पर्पज़ का, आप ये टिन पैक में मिल जाता है बच्चों के लिए, मैं तो यही यूज़ करती हूँ। ये देखिए कि हमने ऐड कर दिया है, और मैं ये जो मैंने चॉप करके प्याज रखा था ये ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। ये
जी प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ही ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए या सौते हो जाए आपका प्याज सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैं गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ इसमें। इसको भी थोड़ा सा साथ ही हम बना लेंगे, पका लेंगे। इसके वो आपने ऐड कर लेना है इसके अंदर। ये मैंने मसाले लिए हैं, इसमें चिकन पाउडर लिया है मैंने, थोड़ा सा धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, काली मिर्च है और नमक लिया है ज़रा सा, रेड मिर्च पाउडर है, रेड चिली पाउडर आप ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं, एक चुटकी मैंने लिया है ये हल्दी पाउडर। तो ये सारे मसाले जो हैं ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। तो ये मसाला हमने भून लिया है जी। अब हम इसमें जो है वो नूडल्स का पैक जो है मसाला पैक वो ऐड कर देंगे, लाजिम के स्पाइसी इंस्टेंट नूडल्स का। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ जो मैंने चॉप किए हुए थे। साथ में ही इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर दें आप। अब इसमें मैं ये विनेगर ऐड कर रही हूँ। ये जी आप 2 टेबलस्पून में इसमें विनेगर के ऐड कर रही हूँ। ये है हमारे पास चिली सॉस। मज़ीद स्पाइसी अगर आप करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं वरना ना करें। मेरे बच्चों को तो स्पाइसी नूडल्स पसंद हैं तो मैं इसमें ये 2 टेबलस्पून चिली सॉस के भी ऐड कर रही हूँ। और सोया सॉस इज मस्ट क्योंकि ये चाइनीज़ नूडल है। सोया सॉस मैंने 3 टेबलस्पून ऐड किए। अब हम मसाले को अच्छे से भून लें, अच्छे से भून लें मसाले को, क्योंकि मसाला जितना अच्छा आपका भुनेगा उतने ही मज़ेदार आपकी रेसिपी तैयार होती है जी। ये एक सीक्रेट है, जितना अच्छा आपका मसाला भुना होगा उतनी अच्छी आपकी डिश जो है वो तैयार होगी। सारी बात होती है मसाले की, कच्चा कच्चा टेस्ट नहीं आना चाहिए आपके मसाले को। तो ये देखें जी मसाला मेरा अच्छे से भून चुका है, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं अच्छे से। तो अब मैं इसमें नूडल्स ऐड करूँगी। अब मैं इसमें जी ये नूडल्स अपने जो हैं बॉईल करके स्ट्रेन करके रखे थे हमने, इनको ऐड कर लिया हमने। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे सारे को। लीव्स हैं ये आपको मिल जाते हैं आराम से, ये आप ऐड कर सकते हैं। मैं डाल रही हूँ थोड़े से, जी अब आप नूडल्स जो हैं इनको डिश आउट कर लें। जी ये चॉपस्टिक्स मैंने लिए थे बच्चों के लिए, इनको बहुत शौक हो रहा था कि हमने भी नूडल्स जो हैं जी चॉपस्टिक के साथ मामा जी खाने हैं, तो हमने जी इनके लिए स्पेशल चॉपस्टिक्स मामा लेके आई ढूंढ के। जी इधर आप एक्साइटमेंट लेवल चेक कर सकते हैं मेरे बच्चों का, दे आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस चैलेंज। तो अब हम चैलेंज स्टार्ट करेंगे जी।
अभिमायल, अलीना एंड अरीना तीनों बैठे हैं, मुकाबला सख्त है जी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैलेंज को। 1, 2, 3, आर यू रेडी? यस। स्टार्ट करें। जी ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मेरे बच्चों को जो है वो चॉपस्टिक्स के साथ खाना आता है, तो बच्चों को इस तरह की चीज़ें ट्राई करवानी चाहिए जी। आप लोग भी बच्चों को जो है वो घर पे इस तरह से बच्चों को एंटरटेन कर सकते हैं वीकेंड वाले दिन, इस तरह के छोटे छोटे चैलेंजेस करा के उनके दरमियान, और बच्चों की लर्निंग भी इससे अच्छी होती है। और मुकाबला सख्त है जी, देखते हैं किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो इनमें से जो भी जो है वो फर्स्ट आएगा जी अपनी प्लेट को फिनिश करने में, उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी मैंने अरेंज किया हुआ है, तो उस बच्चे को हम गिफ्ट देंगे। तो जो आप जी कोरियन और वो लैंग्वेज बोलती हैं दोनों आपस में, वो जरा हमें भी बताएंगी, सुनाएंगी जरा यूट्यूब फैमिली को। अरीना बताएगी, अरीना भी बताएगी फिर मेरे साथ। चैलेंज फिनिश कर लिया, स्पीड मुकाबला उस चीज का होगा। गुड गुड गुड, जल्दी 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 शाबाश। तो जी अभिमायल साहब मुझे लगता है चुप चपीते ही फर्स्ट आ जाएंगे। ये दोनों बहनें बातों में लगी हुई हैं। गुड अभिमायल, वेरी गुड जी। अभिमायल अपना जो है वो चैलेंज कंप्लीट कर चुके हैं और फर्स्ट आ गए हैं, वेरी गुड। अब आप दोनों में से सेकंड पे कौन आएगा? मैं देखते हैं। मैं स्पीड कर दो, स्पीड ऑफ स्पीड। यही तो चैलेंज है, आप ही कह रहे थे हमें चॉपस्टिक चैलेंज करना है जी। मैं पानी पी रही हूं। अच्छे तो नूडल उठाए जा रहे हैं। अब जी सेकंड पोजीशन के लिए ये मुकाबला चल रहा है, अभी कंटिन्यू है जी। देखते हैं सेकंड कौन आता है अलीना और अरीना में से। अलीना ने जरा स्पीड अप किया है जी काम को सुनते ही। सेकंड रनर अप के लिए भी गिफ्ट है, लास्ट वाले को भी गिफ्ट दे देंगे भाई, तीनों बच्चे ही अपने गुड गुड गुड। फर्स्ट नहीं आ रही, सेकंड आ रही है। फर्स्ट तो अभी माइल आ चुके हैं। फिनिश फिनिश, यू हैव टू फिनिश। तो जी अरीना कह रही है ये चॉपस्टिक चैलेंज, अगर हाथों का चैलेंज होता तो मैं फर्स्ट आ चुकी होती अब तक। आपकी प्लेट में पड़ी हुई है अभी तक, प्लेट साफ चाहिए। साफ
चाहिए। मुकाबला है नहीं हुआ अभी। एंड हो जाए क्या है? मैं फर्स्ट आ चुका हूँ। नहीं। आ चुका है फर्स्ट अभी मार। एक सिंगल नूडल भी नजर नहीं आना चाहिए जी आपकी प्लेट में। वेरी गुड वेरी गुड जी। अरीना आ चुकी है सेकंड एंड अरीना इज थर्ड रनर आउट। ओके ओके ओके। ये बर्थ रैंकिंग के हिसाब से ठीक हुआ मुकाबला। ये तो वाकई जी बर्थ रैंकिंग के हिसाब से मुकाबला हुआ है। अभी पहले नंबर पे हैं तो वो फर्स्ट आए हैं। अरीना जो है वो सेकंड आई है क्योंकि ये दूसरे नंबर पे हैं। और अरीना जो है ये थर्ड आई है। स्पाइसी थे जी ये नूडल्स आपके पास? मेरे लिए तो कुछ भी नहीं। तो कैसा लगा आपको आज का चैलेंज? बहुत यम्मी मजेदार नूडल्स थे। ओके जी आज का चैलेंज जैसा कि आप लोगों ने देखा तो अब इनको गिफ्ट्स देने का टाइम आ चुका है। तो अब इन तीनों को गिफ्ट्स देते हैं बारी बारी। तो माँ के लिए तो सारे बच्चे बराबर होते हैं जी। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला जो है वो तो जस्ट कंपटीशन के लिए मैंने कहा था कि देखते हैं पहले कौन अपने नूडल्स फिनिश करता है। तो वो अब इनको गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट में मैं इनके लिए सरप्राइज रखा है जी चॉकलेट और जूस का। तो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ घर में जो है वो वीकेंड पे करते रहना चाहिए। तो आप लोग भी इंजॉय किया करें लाइफ को और वीकेंड्स को अपनी फैमिली के साथ जी। अब इनको इनका इनाम जो है छोटे छोटे गिफ्ट जो है वो हैंड ओवर करते हैं। तो ये है जी फर्स्ट है जी अभिमान और अलीना सेकेंड एंड अलीना थर्ड। थैंक यू मामा जी। थैंक यू मामा जी। You're welcome. तो उम्मीद करते हैं जी आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो इस तरह के यम्मी से नूडल्स आप भी जल्दी से बना सकते हैं। इंस्टेंट नूडल्स बनाएं और अपने बच्चों का घर पे चैलेंज करवाएं। काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें हमारी वीडियो पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके टाटा बाय बाय। बाय बाय।